अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अब हम स्टडी करेंगे द प्रोसीजर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सर्किट प्रॉब्लम्स। और ये जो हमारा टॉपिक है ये रिलेट कर रहा है किरचॉफ सेकंड रूल से। सेकंड रूल, सो इसकी जो प्रोनंसिएशन है, जैसा मैंने पहले बताया कि ये सम टाइम इसको किरचॉफ भी कहा जाता है, कुछ लोग इसको किरचॉफ रूल कहते हैं। सो इसमें कन्फ्यूजन नहीं है क्योंकि इसके डिफरेंट प्रोनंसिएशंस हैं। सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। जिस तरह के हमारे पास ये सेकंड रूल की अगर हम इक्वेशन बनाना चाहें और इक्वेशन को देखें तो वो कुछ इस तरह से थी कि EMF जो फर्स्ट बैटरी की है माइनस IR1, वो जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं अक्रॉस द रेजिस्टर R1, देन माइनस EMF ऑफ सेकंड बैटरी एंड देन IR2 इक्वल्स टू ज़ीरो। सो ये इक्वेशन कुछ हमारी इस तरह से थी। अब हम क्या करने लगे हैं, सर्किट्स को सॉल्व करने लगे हैं, क्योंकि MCQs में मोस्टली क्या होता है कि सर्किट बना के दे दिया जाता है और आपको कहा जाता है कि आप इसमें से करंट फाइंड आउट करें। जिस तरह अगर सिंपल सर्किट हो तो हम ओहम्स लॉ को लगा के कर लेते हैं कि करंट फाइंड आउट करना, तो हम इजीली कर सकते हैं। लेकिन आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर दिया जाता है, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दिया जाता है, जिसमें आपने क्या करना होता है कि समटाइम करंट फाइंड आउट करना होता है, रेजिस्टेंसेस फाइंड आउट करनी होती है। सो आपको उसके अकॉर्डिंग दे दिया जाता है। सो अगर हम देखें एग्जाम्पल नंबर 13.6, ये बुक की एग्जाम्पल है, पेज नंबर 48 पे है, सेकेंड ईयर की बुक में से है और फिगर है 13.22। और इसमें जो सर्किट ड्रॉ है हम उसको ड्रॉ करके देन उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक हमारे पास बैटरी है जिसके साथ रेजिस्टेंस अटैच है, देन सेकेंड नंबर पे भी बैटरी अटैच है इस तरह से, फिर रेजिस्टेंस अटैच है, देन एक बैटरी अटैच है, देन रेजिस्टेंस है, और ये सर्किट कुछ इस तरह से कंप्लीट हो रहा है। सो इसको कंसीडर किया हुआ है E1, E2, E3, R3 हो जाएगा, ये R2 है, ये R1 है। पॉजिटिव नेगेटिव जो हमारे पास ये लंबी लाइन होती है कुछ इस तरह की, उसको जो है पॉजिटिव टर्मिनल कहा जाता है, इसको नेगेटिव टर्मिनल। सो यहाँ पे 3 बैटरीज जो हैं वो अटैच हैं इस तरह से। अब हमारे पास सबसे पहले क्या होता है कि हमारे पास एक प्रोसीजर में पहला स्टेप है कि आपने सबसे पहले सर्किट डायग्राम बनानी है, लेकिन आपको सर्किट डायग्राम गिवन होगी जो भी MCQs आपको आएगा उसके अकॉर्डिंग। सेकेंडली आपने क्या करना होता है, आपने उस बैटरी को चूज़ करना होता है जिसकी EMF सबसे ज़्यादा है। सो अगर आपको यहाँ पे नहीं मेंशन कि EMF किस बैटरी की ज़्यादा है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं, कि किसी भी बैटरी से फ्लो करना स्टार्ट करवा सकते हैं, लाइक E3 से भी या E1 से भी, E2 से भी। सो हम E1 से स्टार्ट कर लेते हैं। अगर हम कन्वेंशनल करंट की बात कर रहे हैं, और जितने भी हम सर्किट्स या फिज़िक्स में जितने भी सर्किट्स को स्टडी करते हैं उसमें मोस्टली हम कन्वेंशनल करंट को ही फ्लो करवाते हैं कि करंट पॉजिटिव से फ्लो करें। सो हमने क्या करना है कि करंट को फ्लो करवाना है और करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से हो जाएगी। सो अगर हम इसकी बात करें, क्या अब हम लोगों ने क्या लिखनी है, इक्वेशंस लिखनी है, और इक्वेशन किस तरह से आएंगी कि आपके पास ये पूरा जो है वो एक कंप्लीट सर्किट है। अभी आप सिर्फ इस पोर्शन को देखें, इतने वाले को अगर इसको देखें, और हमने जो किरचॉफ सेकंड रूल की पढ़ी थी, थ्योरी पढ़ी थी, एंड उसमें जो डिस्कस किया था वो भी कुछ सेम इसी तरह का ही था कि उसमें पॉजिटिव नेगेटिव एंड देन। सो अगर इसको ही यहाँ पे लाके प्लेस कर दें तो सेम एज इट इज़ ही तकरीबन बन रहा है, बल्कि ये रेजिस्टेंस इस साइड पे है, और इसमें क्या हो रहा है कि पॉजिटिव पॉजिटिव से अटैच है, नेगेटिव नेगेटिव से है, और उस नेगेटिव के दरमियान दो रेजिस्टर्स जो हैं वो अटैच हैं। सो पहला हमारे पास सर्किट ये है, हम इसको ए कंसीडर कर लेते हैं, इसको बी पोर्शन कंसीडर कर लेते हैं। सो अब हमने क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग ये वाली जो है इसको सेट करना है कि ये इक्वेशन किस तरह की होगी। अगर सबसे पहले देखें कि हमारे पास क्या है कि यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो किया, सबसे पहले तो हमारे पास ये बात आ जाती है कि करंट उस केस में ये था कि पॉजिटिव से सबसे पहले रेजिस्टेंस में से गुजरा एंड देन पॉजिटिव टर्मिनल आया। लेकिन यहाँ पे क्या है कि पहले ये पॉजिटिव था और देन नेगेटिव, एंड ये इसने इस तरह से फ्लो करना शुरू किया। सो पॉजिटिव वाली जो चीज़ है वो क्या होती है, हायर पोटेंशियल पे है, नेगेटिव वाली लोअर पोटेंशियल पे है।
इट मीन्स के जो वर्क डन यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे वो किस तरह का होगा कि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू शो करेगा. नेगेटिव क्यों? क्योंकि अगर आप कम से ज़्यादा चीज़ पे जा रहे हो तो आपको एनर्जी गेन करना पड़ रही है, खुद से लेनी पड़ रही है, एब्जॉर्ब करनी पड़ रही है ताकि आप ऊपर जा सको. तो यहाँ पे क्या होता है कि आप जो एनर्जी गेन कर रहे होते हो या जो वर्क डन होता है वो पॉजिटिव वैल्यू में होता है. लेकिन जब आपने ऊपर से नीचे की तरफ आना होता है तो आपको एनर्जी गेन नहीं करनी पड़ती, बल्कि आप एनर्जी दे रहे होते हो, नीचे आने के लिए देते जाते हो और आप नीचे पहुंच जाते हो. इट मीन्स आपकी जो वर्क डन है उसमें जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव होगी. सो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे पास ये E1 होगा इस केस में वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा. सेकेंडली क्या होगा कि चूंकि ये रेजिस्टर में से पास कर रही है, जब रेजिस्टर में से पास करती है वर्क डन जो होता है वो उसमें एनर्जी डिसिपेट हो जाती है. एनर्जी डिसिपेशन का क्या मतलब है कि यहाँ पे नेगेटिव वर्क डन आएगा कि एनर्जी निकल गई, रिलीज हो गई. जो रिलीज हो गई वो नेगेटिव और जो एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो पॉजिटिव वैल्यू शो करती है. सो यहाँ पे क्या हो रहा है, रेजिस्टर में रेजिस्टेंस है यानी कि रुकावट है. तो उस रुकावट की वजह से क्या हो रहा है कि हमारी एनर्जी जो है वो डिसिपेट हो रही है, बाहर निकल रही है, रिलीज हो रही है. सो वो नेगेटिव में आ जाएगा. अब रेजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है. और अगर हम V को देखें तो ये पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली क्या होते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज. वो वर्क डन जो किसी चार्ज के ऊपर किया जा रहा हो सो वो किसके इक्वल होता है, पोटेंशियल के इक्वल होता है या चेंज इन पोटेंशियल के. सो अब हमने W यानी वर्क डन को फाइंड आउट करना है. सो ये कुछ इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी. एंड अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ वी को हम IR से अगर रिप्लेस कर दें, और चूंकि यहाँ पे R1 है तो ये R1 हो जाएगा. एंड अगर अब हम इसको रिप्लेस करके लिखें तो ये W जो है वो कुछ इस तरह से वैल्यू शो करेगा. सो अगर हम चूंकि डेल क्यू हमने पीछे देखा था जब सेकेंड रूल को डिफाइन किया था या उसकी इक्वेशन बनाई थी, तो डेल क्यू को इन सब में से कॉमन लेके दूसरी साइड पे डिवाइड कर दिया था. सो अभी हम लोग यहाँ पे इसको इसीलिए नहीं लिख रहे क्योंकि सबके साथ डेल क्यू आने हैं. सो डेल क्यू को हम पहले ही दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर चुके हैं. सो हम उसको रहने ही देते हैं. अब इस केस में चूंकि हमारे पास नेगेटिव साइन में वर्क डन हो रहा है सो ये भी क्या हो जाएगा, -IR1. देन क्या होगा, जब ये R2 में से गुजरेगा अगेन जो है वो एनर्जी रिलीज होगी, वर्क डन जो है नेगेटिव होगा. सो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा. और फिर क्या होगा कि ये यहाँ पे इस जो हमारे पास बैटरी है उसमें पहुँचेगा. अब इसमें क्या हो रहा है कि करंट नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, यानी कम से ज़्यादा की तरफ जाने के लिए उसको एनर्जी को लेना पड़ रहा है, गेन करना पड़ रहा है. सो वर्क डन जो है वो पॉजिटिव होगा और यहाँ पे E2 इक्वल्स टू ज़ीरो आ जाएगा. अब एक बात जो हमारे पास यहाँ हमें देखनी है वो क्या है कि ये जो करंट है ये खाली इस तरह से नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि हमारे पास करंट की डिफरेंट वैल्यूज शो, हमें क्वेश्चन में उस तरह से पूछा गया कि हर रेजिस्टर के अक्रॉस जो करंट है उसकी वैल्यू क्या होगी. सो एक्चुअली मैं भी जस्ट सर्किट बना रही थी इसलिए मैंने स्टेटमेंट को नहीं पढ़ा. तो अब पढ़ लेते हैं कि एग्जांपल नंबर 13.6 की स्टेटमेंट है कि कैलकुलेट द करंट्स इन द 3 रेजिस्टेंसेस ऑफ द सर्किट. इट मीन्स 3 रेजिस्टेंसेस अटैच हैं, रेजिस्टर्स अटैच हैं. सो आपने हर रेजिस्टर के अक्रॉस जो है वो करंट को फाइंड आउट करना है. इट मीन्स यहाँ पे ये I1 है, ये I3 है. लेकिन यहाँ पे अगर हम पहले इस सर्किट को कंसीडर कर रहे हैं तो इसमें से जो करंट पास आउट कर रहा है वो कौन सा होगा, यहाँ पे पहले I2 है, ठीक है, जो I2 पास करे. लेकिन जब ये करंट पूरा फ्लो करके आएगा तो इस टाइम यहाँ पे ये I नहीं, ये पहले I1 हो जाएगा एंड देन यहाँ पे आएगा I1 - I2. क्योंकि इस रेजिस्टर से होता हुआ इसमें आ रहा है सो करंट का कुछ, ये पूरे लूप में करंट जो है यहाँ पे वो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके उतना करंट यहाँ पे आएगा. डायरेक्टली I1 का I1 यहाँ नहीं आ सकता, इसलिए हमने क्या किया, I1 - I2 एंड देन R2 से उसको मल्टीप्लाई किए. सो ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन या फर्स्ट जो सर्किट का पोर्शन है उसके लिए इक्वेशन बना लिए. अगर हम सेकेंड की अब बात करें तो सेकेंड में क्या है, अब फिर अगेन करंट इस तरह से फ्लो करें,
चूँकि ये दो लूप्स हैं सो ये हमारे पास करंट I1 है, हम यहाँ पे इसको मेंशन नहीं करेंगे, और यहाँ पे ये I2 है इस तरह से. सो अब सर्किट में बेशक दो पोर्शन बन रहे हैं और दो पोर्शन में एक और रेजिस्टर जो है वो अटैच हो रहा है, लेकिन क्या है कि करंट जो फ्लो कर रहे हैं एक इस पार्ट पे से है, यानी एक इस सर्किट में से और एक इसमें से. सो यहाँ पे करंट जो है वो I1 एंड I2 ही रहेंगे. नेक्स्ट इक्वेशन के लिए अगर अब हम देखें तो अब हम इसको कंसीडर करने वाले हैं. इस सर्किट में जब हम इसको कंसीडर करेंगे तो अगेन यहाँ से स्टार्ट करते हैं. पॉजिटिव टू नेगेटिव जब बैटरी में से हमारे पास आएगा, करंट फ्लो करेगा, तो चूंकि हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ आ रहा है तो एनर्जी या जो वर्क डन है उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी. इट मीन्स कि यहाँ पे अब हम E2 लिखेंगे जो कि माइनस के साथ होगा. नेक्स्ट अब हमारे पास रेजिस्टर आ गया जिसमें से जब करंट पास आउट कर रहे हैं तो पहले चूंकि I1 भी इसमें से पास कर रहा था, I2 भी पास कर रहा था, सो कलेक्टिवली जो करंट था वो I1 माइनस I2 था. लेकिन अब चूंकि हम लोग इसको कंसीडर कर रहे हैं तो ज़्यादा पोर्शन इसका पास आउट होगा, कम इसका, सो अब ये बन जाएगा I2 माइनस I1. सो यहाँ पे जो अब आएगा करंट वो इस तरह से आएगा I2 माइनस I1 एंड ये R2 बन जाएगा. नेक्स्ट में अगर देखें तो अब ये I2 R3 में से पास आउट कर रहा है, लेकिन रेजिस्टर्स के अक्रॉस जो है वो वर्क डन नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा एंड R3 आ जाएगा. अब नेक्स्ट जब ये इस बैटरी में से पास आउट करेगा तो अब क्या हो रहा है कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, यानी लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहा है, एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी एब्जॉर्ब जब होती है तो वो वर्क डन पॉजिटिव होता है. सो यहाँ पे पॉजिटिव E3 आ जाएगा एंड विच इज इक्वल्स टू ज़ीरो. सो ये दो इक्वेशंस अब हमारे पास बन चुकी हैं. इन इक्वेशन को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करके करंट आई वन और आई टू की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. अब I1, I2 और जो R2 के क्रॉस गुजर रहा है वो क्या है, अगर R1 से देखें तो I1 पास आउट कर रहे हैं, R2 से देखें तो हमारे पास दो तरह के हैं कि I1 माइनस I2 भी फाइंड आउट कर सकते हैं या I2 माइनस I1 भी फाइंड आउट कर सकते हैं. और जो R3 से गुजर रहा है वो है I2, I2, ठीक है. सो अब जो हम इस तरह से करंट तीनों के अक्रॉस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. अब अगर हमें वैल्यूज़ गिवन होंगी तो हम क्या करेंगे, इनमें वैल्यूज़ को पुट कर देंगे और हमारे पास कोई ना कोई आंसर आ जाएगा. लेट सपोज अगर हमें बुक में ही जो वैल्यूज़ दी हुई हैं उनके अकॉर्डिंग देखें तो हमें दिया हुआ है आर वन 10 ओहम, आर टू 30 ओहम एंड आर थ्री इक्वल्स टू 15 ओहम. जबकि EMF जो दी गई है E1 वो है 40 वोल्ट्स, E2 हमें गिवन है 60 वोल्ट्स एंड E3 गिवन है विच इज 50 वोल्ट्स. यस, अब क्या करना है कि हम इनको चूंकि करंट को फाइंड आउट करना चाहते हैं सिंपली यहाँ पे वैल्यूज़ को अगर लगा दें तो कुछ इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी कि माइनस ई वन सॉरी माइनस 40 माइनस आई वन फाइंड आउट करना है एंड आर वन की वैल्यू क्या है 10, देन माइनस आई वन माइनस आई टू एज इट इज, आर टू की वैल्यू है 30 प्लस E2 की वैल्यू है जी 60 इक्वल्स टू ज़ीरो. अब हम क्या कर सकते हैं कि 60 हमें नज़र आ रहा है, 40 नज़र आ रहा है और ये दोनों वोल्ट्स में हैं, सो 60 माइनस 40 20 हो जाएगा. नेक्स्ट में हमारे पास आ जाएगा 10i माइनस I1 माइनस I2 एंड 30 इक्वल्स टू ज़ीरो. अब हमें यहाँ पे भी I1 नज़र आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं और कॉमन लेके क्या करेंगे कि 20 इस तरह से कुछ हो जाएगा एंड देन माइनस 10 कॉमन ले लिया. अगर 10 कॉमन ले लिया है अब क्या बचेगा, I1 माइनस की जगह अब चूंकि हम पहले कॉमन ले चुके हैं तो ये बन जाएगा प्लस
और ये बन जाएगा I1 minus I2 and ये 3 बन जाएगा. So हमने just यहाँ से 10 को common ले लिए, क्योंकि यहाँ पे I1 था जिसके साथ 10 है, तो 10 को common ले लिया, I1 आ जाएगा. Then चूंकि common ले चुके और बाहर minus sign है, तो ये minus sign जो है वो plus में change हो जाएगा और हमारे पास कुछ इस तरह की equation बन जाएगी. Next में हम क्या कर सकते हैं कि 20 equals to 10 I1 plus I1 minus I2 and इसके साथ 3 को multiply करवा देते हैं and ये overall, sorry overall नहीं बल्कि अब हम यहाँ पे इसको 20 के equivalent लिख चुके हैं. अब इतनी equation हमने find out कर ली, हमें क्या-क्या चाहिए, I1 भी चाहिए, I1 minus I2 भी चाहिए, so इससे ज़्यादा ये solve नहीं हो सकती थी. अब next equation की तरफ आ जाते हैं जो कि हमारे पास ये है. और अगर इसको देखें तो हमारे पास E2 है जो कि minus 60 बन जाएगा and then हमारे पास आएगा as it is I2 minus I1, R2 की value है 30 minus I2 find out करना है and R3 की value है 15 and हमारे पास E3 की value है plus 50 equals to 0. So अब 50 and minus 60 को जब हम करेंगे तो ये minus 10 हो जाएगा. अब इसमें अगर हम I2 को देखें तो ये 15 है, सो हम क्या कर सकते हैं, 15 को कॉमन ले लेंगे, I2 plus I2 minus I1 एंड ये बन जाएगा 2 equals to 0. 0 बन चुका है. अब इसको जो है हम दूसरी साइड पे लेके जाएं अगर, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा minus 15 I2 plus I2 minus I1 into 2 equals to 10. So, ये हमारी कुछ इस तरह से equation बन गई है. अब अगर हमने values को find out करना है, तो एक हमारे पास जो equation है वो ये है and second one ये. अब अगर हम क्या करते हैं कि इनको भी चूंकि find out करना है, values को simultaneously solve करना पड़ेगा, तो क्या करते हैं कि हमें इस side पे यहाँ पे 20 नजर आ रहा है और यहाँ पे 10. अगर हम कुछ ऐसा करें कि ये भी 10 में कन्वर्ट हो जाए एंड देन जब डिफरेंस लिया जाए, लेट सपोज ये ए है इक्वेशन, ये बी है, तो हमारे पास 10 माइनस 10 इक्वल्स टू 0 हो जाए. सो इजीली हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा और इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं. अब अगर इसको सिंपलीफाई करना है और यहाँ पे हमें 10 बनाना है, इट मीन्स 2 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा. सो अगर यहाँ पे ओवरऑल 2 से डिवाइड कर दें तो ये 10 बन जाएगा और यहाँ आ जाएगा 5. सो हमने यही करना है कि ए इक्वेशन को डिवाइड कर देना है बाय 2. सो अगर 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ चुका है 5 I1 plus 3 I1 minus I2 equals to 10. अब हम दूसरी इक्वेशन को भी लिख लेते हैं, minus 15 I2 plus I2 minus I1 multiply by 2 equals to 10. और कह देते हैं कि अब हमने क्या करना है, दोनों को subtract कर देना. Subtract करना है, it means negative, negative जो है वो positive हो जाएगा, sign change, और यहाँ पे negative sign आ जाएगा. Negative sign आया, it means ये cancel out हो गया, equals to सब चीजें जो है वो 0 के हो गई, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, 5 I1 plus 3 I1 minus I2 plus 15 I2 plus I2 minus I1 into 2. अब हम क्या करेंगे, जहां जहां अब हम इसको पूरे को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, लाइक 5 I1 plus 15 I1 minus I2 plus 15 I2 plus 15 I2 minus, sorry, 15 and यहाँ पे 2 भी है और यहाँ पे भी 5 and 3, ठीक है, यहाँ पे ठीक है, but यहाँ पे हमें इसको multiply करवाना पड़ेगा, so बन जाएगा 30 I2 minus I1 equals to 0. अब again इसको थोड़ा open कर दें तो ये बन जाएगा 5 I1 plus 15 I1 minus 15 I2 plus 15 I2 plus 15 I2 minus, यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करवा चुके हैं, सो ये बनेगा 30
आई टू प्लस 30 आई वन इक्वल्स टू ज़ीरो. हमने सब कुछ ओपन करके अब लिख दिया. माइनस 15 आई टू प्लस 15 आई टू से कैंसिल हो जाएगा. देन हमारे पास जो जो चीज़ें बच रही हैं हम उसको रीअरेंज कर लेते हैं. यहाँ पे 30 आई वन है, 30 यहाँ पे प्लस 15 एंड प्लस 5. एक तो हमारे पास ये आई वन के लिए इस तरह से बन रहा है. सेकेंडली अगर आई टू के लिए देखें तो हमारे पास एक ये इक्वेशन है, सॉरी एक ये वैल्यू है और एक ये वैल्यू है. इट मीन्स प्लस आई टू जो है 15 माइनस 30 इक्वल्स टू ज़ीरो बन रहा है. अब क्या करेंगे, इन सबको एडअप कर देंगे तो 30 प्लस 15 45 प्लस दिस वन 50 आई वन प्लस सॉरी माइनस हो जाएगा माइनस 30 आई टू इक्वल्स टू ज़ीरो. अब हमने क्या करना है, इनको जो है रीअरेंज करेंगे कुछ इस तरह से. तो क्या बन जाएगा, अगर 50 आई वन है तो हम दूसरी साइड पे 30 आई को ले जाते हैं, आई टू को, तो ये नेगेटिव था तो पॉजिटिव में हो जाएगा. अब पहले हम आई वन को देखें तो ये क्या बन रहा है, 30 ओवर 50 आई टू. इट मीन्स आई वन जो है वो 3 बाई 5 आई टू के इक्वल है. जब हमारे पास ये चीज़ आ गई है तो हमने क्या करना है, जो हमारी इनिशियल इक्वेशंस थी जिस तरह के ये, उनमें इस वैल्यू को पुट कर देने. जब पुट करेंगे तो हमारे पास कोई ना कोई एक वैल्यू जो है वो आई टू की आ जाएगी, जिसको अगेन पुट करने के बाद हम आई वन फाइंड आउट कर सकेंगे. हमारे पास ये जो सर्किट था वो कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था और हमारे पास जो सॉल्व करने का टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता. इतना कॉम्प्लिकेटेड सर्किट या इतनी लंबी कैलकुलेशंस नहीं आती, शॉर्ट करके आती हैं या आपको कुछ चीज़ों के बारे में बता दिया जाता है. लेट सपोज अगर आपको आई टू की वैल्यू के बारे में, एक वैल्यू के बारे में पता होता तो आप फौरन से यहाँ से कैलकुलेट कर सकते थे. जो हमारे MDCAT के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना लंबा नहीं आएगा, बट हमारे दूसरे पेपर्स में ये आ सकता है. लेकिन अगर MDCAT के हवाले से हम देखें तो ये इंपॉर्टेंट ज़रूर है, क्योंकि ये सर्किट्स सॉल्व करने के लिए आते हैं लेकिन उसमें कोई ना कोई एक वैल्यू जो है वो आपको नोन होती है तो आप जल्दी से दूसरी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो. अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लेट सपोज हम इस वाली इक्वेशन को ही अगर ले लें जिसको हम पहले 2 से डिवाइड कर चुके थे, तो ये कुछ इस तरह का बन गया था 10 और यहाँ बन गया था 5. एंड आई थिंक यहाँ पे 3 था चूँकि हम उसको कॉमन ले चुके थे. आई वन की वैल्यू अगर पुट करें तो कुछ क्या बन रहा है हमारे पास, 5 3 बाय 5 आई टू माइनस 3 बाय 5 आई टू माइनस आई टू इंटू 3 इक्वल्स टू 0. नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, इसको ओपन करवा दें अगर हम, तो ये कुछ बनेगा 15 ओवर 5 आई टू. नेक्स्ट हमारे पास बनेगा माइनस 5 थ्री से 15 एंड 3 ओवर 5 आई टू माइनस आई टू इक्वल्स टू 0. सॉरी यहाँ पे अब इक्वल्स टू 0 नहीं रहा क्योंकि हम उसको दूसरी साइड पे 10 को लेके जा चुके हैं. अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इसका एलसीएम अगर ले लें तो 5 थ्री इज़ अ 15 सो 3 आई टू बनेगा 15 एज इट इज़. अगर अंदर एलसीएम हम ले रहे हैं आई टू को बाहर रख लेते हैं सो 5 बन जाएगा 3 माइनस 5. एंड नेक्स्ट अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह से बन जाएगा 5 थ्री इज़ अ 15 10 इक्वल्स टू 3 आई टू माइनस 3 माइनस 2 एंड आई टू 10 इक्वल्स टू 3 आई टू प्लस आई टू एंड 10 इक्वल्स टू 9. एंड अब आई टू फाइंड आउट करना है तो ये किसके इक्वल है, 9 ओवर 10 ओवर 9 के इक्वल आ जाएगा. आई टू की जो वैल्यू है हमारे पास ये कुछ इस तरह से आ जाएगी.